हे गाइज़, वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हेयर फॉल को कैसे रोका जा सकता है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो की थी जिसमें हेयर ऑयल बताया था, लेकिन वो हेयर ऑयल फ्रेश बनाना होता है। लेकिन ये वाला ऑयल जो मैं बताऊँगी, इसको आप जो है वो स्टोर करके रख सकते हो 3 मंथ्स के लिए। तो सबसे पहले हमें बेस ऑयल चाहिए। बेस ऑयल के लिए आप कोकोनट, ऑलिव, सरसों का तेल, कोई भी ऑयल ले सकते हैं। 1 कप ऑयल लेंगे, 1 कप एलोवेरा जेल का प्योरे ले लेंगे। आप इसको ऐसे भी डाल सकते हैं, ये फ्रेश एलोवेरा जेल है जो कि मैंने लीव से निकाला हुआ है। इसके मेन इंग्रेडिएंट हैं फेनोग्रीक सीड्स यानी मेथी दाना और कलौंजी, ठीक है, नाइजीरियन सीड्स। तो कलौंजी में जो आपको पता है कि कलौंजी तिब्ब नबी में है, और मौत के अलावा कलौंजी में हर चीज़ की जो है वो पावर है हर चीज़ से लड़ने की। तो मेथी जो है आपके बालों को, बालों की ग्रोथ को बढ़ाती है, बालों को थिक करती है, और कलौंजी भी आपके बालों को, आपके स्कैल्प के प्रॉब्लम्स को, एंटी फंगल, एंटी इन्फेक्शन, जो भी स्कैल्प पे इन्फेक्शन है उसको रिलीज़ करती है। तो हमें क्या करना है, तेल को गर्म करना है। गर्म करने के बाद तेल में हमें एलोवेरा जेल मिलाना है और ये सीड्स डाल देने हैं दोनों। इसको इतना पकाना है कि तेल और सीड्स जो हैं उनका कलर जो है वो डिफरेंट हो जाए। थोड़ा सा सीड्स पकने के बाद थोड़ी सी फूल जाएंगी और एलोवेरा जेल का पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा। पकाने के बाद हम इसे छान के स्टोर कर लेंगे 3 मंथ्स के लिए। आप इसको रख सकते हो और इसको हर एज ग्रुप वाले बंदे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊँगी कि मैं किस तरह से पका रही हूँ। तब तक के आप वीडियो देखें आगे और ज़रूर ट्राई करें ये रेमेडी घर पे। इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। जो जिनके बाल गिर रहे होते हैं वो रुक जाते हैं और बाल ग्रो करने लगते हैं, शाइन आ जाती है बालों में, डलनेस ख़त्म हो जाती है, जल्दी जल्दी बालों की ग्रोथ होती है। चलिए आगे मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे इसको बना रही हूँ। लो फ्लेम पर ऑयल को जो है वो हीट करना है, और जब ऑयल हीट हो जाए तो उस ऑयल के अंदर आपने ऐड कर देना है 2 टेबलस्पून कलौंजी, 2 टेबलस्पून फेनोग्रीक सीड्स यानी मेथी दाने, ठीक है, ये ऐड कर देंगे। और इसी के साथ साथ हम इसमें एलोवेरा जेल भी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसको ब्लेंडर में डाल के इसका जूस भी बना सकते हैं। मैंने फ़िलहाल इसको ऐसे ग्रेट करके डाल दिया है। अब इसको स्लो आंच पे हमें पकाना है। जब ये पक जाएगा तो मैं इसका रिज़ल्ट आपको दिखाऊंगी। मैंने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल को मिक्स करके यूज़ किया है। आप प्योरली कोकोनट, प्योरली ऑलिव ऑयल या इसमें सरसों का तेल भी मिक्स कर सकते हैं इक्वल प्रोपोर्शन में। बादाम के तेल में भी आप इसे बना सकते हैं, जो भी तेल आपको सूट करे। अब ये पक रहा है, जब ये पक जाएगा तो मैं इसका रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करूँगी। इस ऑयल को मैंने स्ट्रेन करके इस बॉटल के अंदर फिल कर लिया है, और इस ऑयल की शेल्फ़ लाइफ 3 मंथ्स है। और आप इससे अपने बालों को मसाज करें, ये बहुत ही अच्छा ऑयल है और इससे हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है। मैं ये पास्ट में ऑयल यूज़ करती हुई आ रही हूँ। तकरीबन 1 मंथ में आपके 1 से 1.5 सेंटीमीटर्स बाल बड़े होते हैं। अब डिपेंड करता है आपकी हेयर ग्रोथ कैसी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, तेज़ी से बाल ग्रो करने लगते हैं। सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये ऑयल बनाएं, इसे ज़रूर ट्राई करें, एंड इसके सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं। सो इफ़ यू लाइक माय रेमेडी और दिस हेयर ऑयल रेसिपी, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। टिल देन टेक केयर, बाय।